HDFC में अगर आपका बैंक अकाउंट है और आपका जो भी कार्ड है और वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका जब भी पिन चेंज करना है और बार बार आपको ये शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सही में बैंक में विजिट करना है। आप आराम से कर सकते हो। मैं यहाँ पे इस वीडियो में बहुत सारे तरीके बताने वाला हूँ, इसलिए बोलो इसे एंड तक देखिए। सबसे पहले यार जो काम करना है, एक बार तो MyHDFC का जो कार्ड का जो ऐप आता है ना, HDFC वाला बैंक का ऑफिशियल वाला, उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। और जैसे आप लॉगिन कर लेते हो अपने नेट बैंकिंग से, वो लॉगिन करने के बाद आपको माई कार्ड के ऑप्शंस में देखने के लिए मिल जाता है यहाँ से पिन चेंज करने के लिए। बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, राइट। अब आते हैं हम सेकेंड ऑप्शन, वो है आप कोई भी ब्राउज़र पे जा सकते हो और आप इस वेबसाइट जो दिख रहा है ना माई कार्ड HDFC पे, इस पर जैसे ही लॉगिन करते हो, यानी लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर एंटर करते ही एक OTP आएगा, एंड देयर इट्स अ मैटर आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट अटैच है वो शो करेंगे। एंड जैसे वो शो करते हैं, यहाँ से आपका काम ईजी हो जाएगा। इतने सारे सर्विसेज आपको मिलते हैं, इसमें से कोई भी एक सर्विस यूज़ कीजिए एंड ईजिली आपका सारा काम हो जाएगा। जैसे पिन जनरेशन है, तो यहाँ पे जैसे हम यू पिन दबाएंगे एंड यहाँ पर अपना एक्सपायरी डेट एंड CVV नंबर एंड प्रोसीड करती ही चेंज हो जाएगा और इंस्टेंट मैसेज और मेल आ जाता है। तो ये इशू आ क्यों रहा है? क्योंकि इसका जो मेन रीज़न है, क्योंकि आपका जो कार्ड है वो रजिस्टर ही नहीं है इंटरनेट बैंकिंग में। तो नेट बैंकिंग जैसे आप लॉग इन कर लेते हो, यहाँ देख सकते हो मेरे पास कार्ड यहाँ शो ही नहीं कर रहा है पिन चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा कार्ड नंबर और अपना एक्सपायरी डेट देने के लिए। आपको दो रीज़न मिलते हैं, या तो अपना डेट ऑफ बर्थ, ये क्रेडिट कार्ड का पिन जो ग्रीन पिन आपको मिलता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं करता हूँ, यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है एंड यहाँ पे मेरा कार्ड भी शो कर रहा है। मैं यहाँ पे इजीली अपना पिन चेंज कर सकता हूँ। तो ये था HDFC को लेके। कोई और भी चाहिए तो यार वीडियोस आपके मिल जाएंगे इस चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर लीजिए, आपको मज़ा आने वाला है। और यहीं तक रखते हैं शॉर्ट एंड सिंपल सा वीडियो। पसंद आता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और HDFC रिलेटेड कोई भी इशू आता है आपको हमारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी और बैंक रिलेटेड भी हमने बताया है, और तो भी नहीं मिल रहा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम आपको लिंक दे देंगे या सॉल्यूशन डायरेक्ट टू डायरेक्ट दे देंगे आपको। बाय बाय।